कि अजय तेनी जी, जिनका कि नाम और उनके लड़के का नाम सुप्रीम कोर्ट की SIT की रिपोर्ट में आ गया है और उसमें आया कि इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत जो है किसानों को दबा के मार दिया है, और बौखलाहट में जब इनसे प्रश्न किया गया तो मीडिया की कॉलर पकड़ी, उनको चोर उचक्का कह के गाली बकी, तो अगर ऐसे लोगों को लेकर के ये आज बैठक कर रहे हैं तो इसके मतलब कि इन्होंने ये मान लिया है कि ब्राह्मण समाज ने उत्तर प्रदेश में मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है और बहुजन समाज पार्टी के साथ से पूरी तरह से जुड़ गया है। इसलिए परेशान होकर और बौखलाहट में ये इस तरह के 15 आदमी या 12 आदमी जितने ही इनके पास प्रदेश में हैं और उन्हीं के एक दो परिवार वाले होंगे, इसके अलावा ब्राह्मण समाज का जो 3 करोड़ लगभग आदमी उत्तर प्रदेश में है उसमें ये 14-15 जो इनके साथ में है मजबूरी वश हैं, उनके घर वाले भी हमारे साथ में और वो भी ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं, इनके रिश्तेदार नातेदार भी हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी पार्टी को वोट देने के लिए मन बना चुके हैं। तो इस तरह की जो ये बैठक कर रहे हैं इससे तो इनका और खुलासा हो रहा है कि कितना परेशान है, कितने दुखी हो गए कि अब ये बैठक कर रहे हैं 5-6 नेता लोगों को बुला करके कि आइए कैसे ब्राह्मणों को हम वापस उड़े। ब्राह्मण जो है बुद्धिजीवी समाज है, ब्राह्मण किसी भी हालत में अब इस तरह के इनके उसमें नहीं आता, बल्कि इनका चेहरा देख रहा, ब्राह्मण देख रहा है कि किस तरह से ये ब्राह्मणों के ऊपर 500 हत्याएं हो गई हैं, 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हो गए हैं, क्या वो भूल जाएगा? वो इनके ये 10-12 उनमें से कौन एक जनों का नाम अभी आपने लिया कि जितिन प्रसाद जी, आपने नाम लिया जितिन प्रसाद जी जो है ब्राह्मण के नेता के रूप में इनके आ गए, उनका वक्तव्य वही निकाल के देख लीजिए। उन्होंने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था उनका, और कहा था कि 1000 ब्राह्मण समाज के लोग मार दिए गए उसकी लिस्ट मेरे पास है और 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हो गए और मैं पूरे प्रदेश में घूम करके इस बात का इनके खिलाफ विरोध व्यक्त करूँगा। अब उन उस मीटिंग में वो भी बैठे हैं जिन्होंने 4 किसान जिनके वजह से आज दब के मर गए और 1 दर्जन घायल पड़े हैं बुरी तरीके से, तो इसलिए इनका समय लग गया है और भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय उत्तर प्रदेश से आ गया है और बहन मायावती जी का आने का समय। आपने देखा कि विकास के नाम पे क्या कर रहे हैं ये, विकास के नाम पे रोज 500 करोड़, 300 करोड़ पहले था खर्चा, 500 करोड़ पहुंचा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।